भगवान शिव, जिन्हें अनंत और स्थाई कहा जाता है, उनके कई प्राचीन मंदिर हैं जो चमत्कारों से भरे पड़े हैं। हम पहले भी आपके लिए भगवान शिव के चमत्कारी मंदिरों की कई वीडियोस लेकर आए हैं, लेकिन आज हम भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर के चमत्कार आपको बताने वाले हैं जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश, जहां पर स्थित है रुद्रव्रत महादेव मंदिर। इसे देखने पर सबसे पहले आपको ये एक साधारण मंदिर प्रतीत होगा, लेकिन जब आप इसके पास स्थित कुंड के पास जाएंगे तो आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। इसे भगवान शिव का चमत्कारी कुंड कहा जाता है और यहां पर अगर आप बेलपत्र डालेंगे तो वो डूब जाएंगे, वहीं अगर आप यहां भारी फल डालोगे तो वो तैर कर बाहर आ जाएंगे। ये एक ऐसा चमत्कार है जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी पत्ता अगर आप किसी भी पानी में डालोगे तो वो तैरता हुआ ही नजर आएगा। वहीं ये फल किसी भी पानी में डूब जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हर पानी से कुछ अलग ही होता है। इसके अलावा अगर आप दूध को किसी भी पानी में डालोगे तो वो उसमें घुल जाता है, लेकिन इस पानी में दूध डालने पर वो एक पतली धार की तरह तल की तरफ जाता हुआ नजर आता है। इसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। यहां पर माना जाता है कि इस कुंड के तल में एक शिवलिंग भी है जिसे कोई देख नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी गहराई पर है जिसका पता अब तक नहीं लगाया जा सका है। जबकि अगर यहाँ के लोगों की माने तो ये कुंड पाताल की गहराई तक जाता है, इसी कारण शिवलिंग को देखा नहीं जा सकता। ये इकलौता शिवलिंग है जिसे आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। यहाँ की मान्यता के अनुसार इस कुंड का निर्माण स्वयं भगवान शिव द्वारा किया गया था। जब भगवान शिव ने तांडव किया तब उनके शरीर से प्रचंड तेज निकला और इस तेज को ठंडा करने के लिए वो इसी जगह जल के अंदर जाते थे। तब से ही इस कुंड के जल में चमत्कारी शक्तियां आ गई। उस तेज को शांत करने के कारण इस जल में अद्भुत गुण उत्पन्न हुए और आज भी ये गुण इसी पानी में है। यहां पर माथा टेकने आए भक्तों को भी इसी कुंड में तैरते फलों का प्रसाद दिया जाता है, जो यहाँ के चमत्कार की निशानी होते हैं।